नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। आज उत्तराखंड में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड को हम देवभूमि मानते हैं। भगवान ने उत्तराखंड को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर दो पार्टियां हैं, तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में, और बड़े तरीके से है, सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम एक बार हम, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो एक बार हम लूटेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है। एक बनता है, फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा, फिर दूसरे को बनाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये भी निकम्मा। मेरे ख्याल से 70 साल के भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल रहे हैं। अब फिर दूसरे को भी कहते हैं ये भी खराब है, इसको भी बदल रहे हैं। तो वहां पे सीएम की लड़ाई चल रही है, उनके पास सीएम नहीं है। फिर विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता नहीं है। वहां पे विपक्ष का नेता चुनने के लिए पिछले महीने भर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। मेरा यह कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी, जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे? इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले ये तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा, चुनाव उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, मुझे तो लगता है शायद उत्तराखंड के हर परिवार से
या तो कोई दिल्ली में रहता होगा या दोस्त होगा या रिश्तेदार होगा, लगभग हर परिवार का कुछ ना कुछ दिल्ली से रिश्ता जरूर है। और जब आपस में दिल्ली से उत्तराखंड के जो निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो आते हैं वापस, चर्चा करते हैं, फोन पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से विकास हो रहा है। जो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है, वैसा ही विकास यहां भी, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहां भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। और अब उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे, स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, बिजली भी अच्छी करेंगे, पानी भी अच्छा करेंगे, यहाँ पे खेती भी अच्छी करेंगे, कानून व्यवस्था भी, और भी खूब सारे अच्छे काम करेंगे। आज मैं खासकर बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। और मैं ये बता दूं, हमारा, मैं जो कहता हूं वो चुनावी जुमला नहीं होता, केजरीवाल जो कहता है वो करता है। आज जो मैं कह रहा हूं वो केजरीवाल की गारंटी है, 4 बातों की गारंटी दे रहा हूं मैं बिजली के क्षेत्र में। ये हमारी पहली गारंटी है। पहली गारंटी का मतलब अगले महीने फिर आऊंगा एक और बात करने के लिए, फिर उसके अगले महीने फिर आऊंगा एक और बात करने के लिए। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहां पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, ऐसे पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, ऐसे कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं, 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे, तेरा बिल माफ कर देंगे। होता है ना, कई बार जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं। अब बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा, दिल्ली में करके दिखाया हमने, उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2015 में, जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, इतने पावर कट लगते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली गली जा जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके तारे बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए, खड़े होके, जैसे अपने घर का काम कराते हैं ना जब घर की, वैसे खड़े होके हमने ट्रांसफार्मर चेंज करवाए, तारे चेंज करवाई, रिप्लेस कराई। और आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, लोगों ने इन्वर्टर इस्तेमाल करने बंद कर दिए, जनरेटर इस्तेमाल करने बंद कर दिए। उत्तराखंड में भी बिजली की कमी नहीं है, उत्तराखंड में बिजली बहुत है कि नहीं है,
उत्तराखंड तो दूसरों को बिजली देता है, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं, क्यों लगते हैं? तो उत्तराखंड में कोई पावर कट नहीं होगा, ये तीसरी बात। और चौथी बात, किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। आज ये बिजली के क्षेत्र में हमारी पहली गारंटी है। चार बातों की मैं गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। सारा नेटवर्क जो है इसमें जितनी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ये है वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। उसके वो भी करेंगे लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, मॉडर्न नेटवर्क होगा बिजली का, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेंगे।